हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज हम इकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लांट फिजियोलॉजी, सेल सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जैसे बायोकेमिस्ट्री, इन सब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो इन सब के जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप उनको जाके प्लीज़ देखिए। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर HP सेट, राइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द बेस्ट ट्रॉफिक लेवल। सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। किसकी रिप्रेजेंटेशन होती हैं? जो भी इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसीज ऑन स्पीशीज, ठीक है, एफिशिएंसी लेवल्स ऑन स्पीशीज। तो उन सब के जो भी इफेक्ट होते हैं तो उनको हम जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं, तो उनको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है। और ट्रॉफिक रिलेशनशिप से हमारा मतलब है जैसे कि फूड चेन हो गया, ठीक है, फूड चेन। जैसे हम बात करते हैं जो प्राइमरी, अब सबसे पहले बात करेंगे हम जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको कौन खाता है, ठीक है, उनको वो किसका फूड होते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, और कंज्यूमर वो होते हैं जो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे कि जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस क्या होते हैं? वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इनके बीच का जो बेस्ट रिलेशनशिप है वो कौन सा पिरामिड शो कर रहा है? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी पिरामिड के बारे में। सेकेंड हम बात करते हैं बायोमास के बारे में, और थर्ड हम बात करते हैं नंबर के बारे में, ठीक है, नंबर के बारे में। तो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट भी होता है और वो इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। और जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहले प्लांट्स आते हैं, ठीक है, सबसे जो लोअर आपका बेस रहता है वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। ये बहुत सारे, इतने सारे प्लांट्स हैं, इनको इनके ऊपर इतने इंसेक्ट जो हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इन इंसेक्ट में जो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है वो डिपेंड करते हैं, और इतने प्रेडेटरी इंसेक्ट जो हैं, ठीक है, इसको इसके ऊपर कौन बैठा है? एक बर्ड बैठा है, ठीक है। तो ये है पिरामिड ऑफ नंबर। और अगर बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की, तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड आते हैं हर्बीवोरस, मीन्स ये क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर इनको हम कहते हैं, और दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बायोमास की, तो बायोमास में हम जो इसका ड्राई ड्राई मास होता है, ठीक है, तो ड्राई वेट होता है उसको हम लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो बायोमास होता है वो किसका होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो ड्राई बायोमास होता है। उसके बाद इसके ऊपर इतने जो कार्निवोरस हैं, सॉरी कंज्यूमर्स हैं, उनको उनको बायोमास जो होता है वो हम मेजर करते हैं। सो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो भी अपराइट होता है और इन्वर्टेड भी होता है, बट जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है दिस इज ऑलवेज अपराइट। ऑलराइट, सो जो बेस्ट रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल और जो पिरामिड्स होते हैं उनमें जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है वो कौन सा पिरामिड शो करता है? जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ जो नंबर होता है वो एक बेस्ट रिलेशनशिप शो करता है ट्रॉफिक लेवल्स में, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम ट्रॉफिक स्टेटस की बात करते हैं, तो जैसे हाई ट्रॉफिक स्टेटस हो गया या लो ट्रॉफिक स्टेटस हो गया, ठीक है, ये कम्प्लीटली मैच कर रहा है किसके साथ? जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसके साथ, है ना। अभी हमने देखा जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ठीक है, इस तरह से होता है, पिरामिड ऑफ नंबर इस तरह से चलता है, ठीक है। और यही जो होता है यही ट्रॉफिक लेवल का भी मतलब जो ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड होता है ये भी ऐसा ही होता है। ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो भी इसी तरह से चलता है, बाकी में काफी ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी ए, पिरामिड ऑफ नंबर। ऑलराइट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिबिट हाई रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो फ्लो करते हैं, फ्लो करेंगे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, थ्रू फूड वेब। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये फूड वेब है, या हम एक्वेटिक की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्वेटिक में क्या होता है? ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है, ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं डीडीटी की, डीडीटी एक केमिकल है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करता है, वहाँ से जो आपकी सॉइल होती है, वहाँ से जा करके ये आपके जो वाटर बॉडीज होती है उसमें जा करके डंप, मतलब उसमें जा करके ये बैठ जाता है, और जितने भी वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये हार्म करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो बॉटम मर्ट होते हैं, जो बॉटम मर्ट है उसमें इनकी जो क्वांटिटी होगी, कंसंट्रेशन होगी, वो कितनी है? यहाँ पे आप देखोगे तो 0.014 ppm। और जैसे ये बॉटम मर्ट होते हैं, इनको कौन खाता है? इनको जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी क्वांटिटी होगी इंक्रीज होगी, यहाँ पे ये अकमलेट होना शुरू हो गए, और यहाँ से जो इसके जो कंज्यूमर है वहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 41 ppm। और जब ये हायर जो कार्निवोरस से जब इनके पास पहुंचेंगे, तो इनकी जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये जो इनकी हायर जो ट्रॉफिक लेवल की जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये उनको ज्यादा क्या करता है, ज्यादा रिस्की होता है उनके लिए, ठीक है। तो जो हायर रिस्क, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की, तो जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपके आ गए, आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हो गए। सेकंड में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, और ये आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, दिस इज योर थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज योर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। सबसे ज़्यादा रिस्की जो होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वो जो सबसे जो अपर जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो उसके लिए ज्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लीजेशन। ग्लीजेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ग्लीजेशन क्या होता है? ग्लीजेशन जो होता है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉइल की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे सॉइल होती है? मतलब एक ग्रेसी सॉइल यहाँ पे बनती है, ठीक है, और ये कब बनती है, ये कौन सी मतलब कौन सी सिनेरियो में ये बनती है? जहाँ भी वाटर लॉग्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वहाँ पे वाटर जो है वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है और वाटर लॉग्ड वहाँ पे बन जाते हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल बनती है, ठीक है, उसको हम ग्लीडेशन कहते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स हैं जो कि इंडिया में पाई जाती है। जो ब्लैक सॉइल्स होती हैं, ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होती है वो वॉल्केनिक रॉक से बनती हैं, और जो रेड सॉइल होती हैं, दीज आर डिराइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनती हैं। और जो डेजर्ट सॉइल होती है, जो कि राजस्थान की रीजन में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वो वाटर की कमी की वजह से इस तरह से वो रेत की तरह बन जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये सॉइल है ये बन रही है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वाटर टेबल है यहाँ पे, वाटर लॉग्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो जो सॉइल यहाँ पे फॉर्मेशन होगी उसको हम उस प्रोसेस को हम ग्लेडेशन कहते हैं, और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट शुड बी ए। उस सॉइल को हम पीट एंड बॉग सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बायोम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ एबायोटिक फैक्टर। जो बायोम होता है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर सेट ऑफ एबायोटिक फैक्टर से। और दूसरा इसका क्या मतलब आइडेंटिफाइंग मार्कर है। सो बायोम क्या होता है? बायोम एक ऐसा रीजन होता है अर्थ का वेयर द क्लाइमेट डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव देयर, ठीक है।
जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे किस तरह से प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। तो बायोम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एबायोटिक फैक्टर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एग्जिबिट कंटिन्यूस कैम्बियल एक्टिविटी इन मेजोरिटी ऑफ द ट्रीज। सो तो कैम्बियम क्या होता है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है सर, ये अगर ये इसका हमने सी सेक्शन करा है, ठीक है, इस प्लांट का। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बाहर जो है, ठीक है, ये हमारा कॉर्क होता है, ठीक है, और कॉर्क के बाहर कॉर्क कैम्बियम होता है। उसके बाद जो है ये जो है ये प्राइमरी फ्लोयम है, ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, ये प्राइमरी फ्लोयम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम है, और इसके बीच में जो ये है, सॉरी, इसके बीच में जो ये जो रीजन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है, ये प्राइमरी, यहाँ पे ये पिट है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, और ये प्राइमरी फ्लोएम है। मतलब जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो क्या करता है, वो जो फ्लोएम और जाइलम होता है, ठीक है, उसको अलग अलग करता है, ठीक है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम था, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम। जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके जो रिंग्स होते हैं आपने देखा होगा, उनके रिंग्स को हम काउंट करते हैं, प्राइमरी जाइलम और रिंग्स, और जो जो प्राइमरी फ्लोएम हो गए, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, उसकी रिंग्स को हम काउंट करके उसकी जो एज है वो बता सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो रेनी सीजन होता है, ठीक है, रेनी सीजन में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है प्लांट का वो काफ़ी एक्टिव फॉर्म में होता है, और जो डोरमेंसी होती है, ठीक है, डोरमेंसी कब आती है, जब ये ड्राई सीजन होता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इंडिया के फॉरेस्ट में, ठीक है, कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि जिनमें कंटिन्यूस कैम्बियल एक्टिविटी होती है। तो इसके लिए प्रेसिपिटेशन ज़रूरी होती है कैम्बियम की कंटिन्यूस एक्टिविटी के लिए। तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो कंटिन्यूस कैम्बियल एक्टिविटी जो वो होती है। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्रोमाइज ऑफ। जो थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज आर्किया, एंड थर्ड इज यूकेरिया। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो योर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हेन द सेम नेम इज अप्लाई टू टू टैक्सा, ठीक है, दो टैक्सा है, उनको हमने सेम ही नेम अप्लाई करा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या इनको हम सिनोनिम कहेंगे, होमोनिम्स कहेंगे, टॉटोनिम्स कहेंगे, या ऑटोनिम्स कहेंगे। जो होमोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट मीनिंग होते हैं बट नेम जो है सेम है। जैसे कि टायर हो गया, ठीक है, टायर का मतलब होता है, एक टायर होता है फटीग, ठीक है, थक जाना, और दूसरा टायर का मतलब होता है जो कार व्हील हो गया, ठीक है। तो ये सेम ही नेम है, दो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको हम होमोनिम्स कहते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं दो वर्ड्स हैं, कोई भी दो वर्ड्स हैं उनके जो भी मीनिंग है वो सेम होते हैं, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। ऑलराइट, तो जो अभी हमने देखा, जो दो टेक्सा में, ठीक है, एक ही वर्ड अप्लाइड किया जाता है तो उसको हम होमोनिम कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक प्रोविंस कम्स अंडर डेक्कन पेनिसुला, ठीक है, जो डेक्कन पेनिसुला है उसमें कौन से बायोटिक प्रोविंस है वो आते हैं। तो इंडिया में जो है इंडिया में जो बायोजियोग्राफिकल जोन है, ठीक है, उसमें जो 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है, और इनमें जो बायोटिक प्रोविंस आते हैं, तो हमसे यहाँ पे पूछा जो डेक्कन प्लेच्यू है, ठीक है, जो डेक्कन पेनिसुला है उसमें कौन कौन से प्लेच्यू आते हैं, कौन कौन से जोन आते हैं, प्रोविंस आते हैं, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, साउथ सेंट्रल प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू, छोटा नागपुर, सेंट्रल हाई लैंड्स। तो ये सभी जो है, ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें ये सभी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर है, ठीक है,
और ये जो है ये वाला रीजन आपका जो ईस्टर्न है ये आपका ईस्टर्न प्लेट्यू है, ठीक है, ईस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पे सदर्न प्लेट्यू है और यहाँ पे जो है वो सेंट्रल है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर, ये जो प्रोविंस जो बायोटिक प्रोविंस है ये किसके अंडर आते हैं, डेक्कन पेनिनसुला के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो व्हेन द जीन्स विद इन द सेम स्पीशीज शो डिफरेंट वर्जन ड्यू टू विच कॉम्बिनेशन इट इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। जब भी जो जीन्स होती हैं एक स्पीशीज में अगर वो डिफरेंट वर्जन जो है वो शो करती हैं, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन शो करती है, तो उसको जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है द डाइवर्सिटी इन द वाइल्ड स्पीशीज फॉर्म द जीन पूल फ्रॉम विच क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैव बीन डेवलप, जो डाइवर्सिटी होती है वाइल्ड स्पीशीज में, ठीक है, फ्रॉम द जीन पूल फ्रॉम विच क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैव बीन डेवलप, बिल्कुल सही बात है। थर्ड इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हैज डेवलप्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट ब्रॉडली द स्पीशीज रिचनेस एंड देयर अबंडेंस इन कम्युनिटी, ना दिस इज नॉट इन कम्युनिटी, ठीक है, ओवरऑल जो स्पीशीज होती हैं कम्युनिटी की हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। सो योर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये सही नहीं है, जो सही नहीं है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिक करेक्टर ऑफ कम्युनिटी एनालिसिस, जो कम्युनिटी एनालिसिस है तो उनमें से कौन सा जो है एनालिटिक करेक्टर नहीं है। तो कम्युनिटी जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम दो तरह से एनालाइज करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड होता है, क्वालिटेटिव मेथड होता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में फ्रिक्वेंसी डेंसिटी अबंडेंस एंड कवर एंड बेसल एरिया ये सब देखते हैं, और जो क्वालिटेटिव होता है उसमें हम फिजियोजिनोमी फिनोलॉजी स्ट्रेटिफिकेशन अबंडेंस सोशियोबिलिटी वाइटेबिलिटी एंड लाइफ फॉर्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सोशियोबिलिटी होती है, ठीक है, दिस इज नॉट अ एनालिटिक करेक्टर ऑफ अ कम्युनिटी एनालिसिस, ठीक है, मतलब ये क्वांटिटेटिव यहाँ पे दिए हैं, तो एंड दिस इज द क्वालिटेटिव। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इवोल्यूशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इवोल्यूशन जो हमारा जो यूनिट है वहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल।